नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कैल्केरिया फॉस के बारे में। अब देखिए, कैल्केरिया फॉस होम्योपैथी में एक बहुत ही फेमस 12 टिश्यू रेमेडी है और बहुत सारे लोग इसको अपने बच्चों के टीथिंग ट्रबल्स के लिए या फिर जो अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो वहाँ पर बोन्स को वापस ज्वाइन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कैल्केरिया फॉस की डोसेज क्या होनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, कितनी पावर में देनी चाहिए, कितनी बार रिपीट करनी चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और अक्सर लोग डॉक्टर्स को अप्रोच करना नहीं चाहते, अपने आप दवा देनी शुरू कर देते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में आपके इन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर कैल्केरिया फॉस अपने बच्चे को देना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा देख लें, समझ लें, उसके बाद अपने बच्चे को या अपने घर में किसी बड़े को देने के बारे में सोचें। मेरी बात समझ में आए तो इस वीडियो को आप जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे को सिर्फ एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये कैल्केरिया फॉस क्या है। कैल्केरिया फॉस बेसिकली वही चूना है जो कि पहले जो पेंट के लिए इस्तेमाल होता था। अभी ये चूना आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। जो चूना है इसकी एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर होती है कि जैसे ही आप चूने को पानी में डालते हैं वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एफर्वेसेंस और बहुत ज़बरदस्त हीट रिलीज़ होती है, बिकॉज चूना अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल कंपाउंड है जो कि एक कॉम्बिनेशन मिनरल है। अब यहाँ पर दो मिनरल्स होते हैं, एक है कैल्शियम, दूसरा है फॉस्फोरस। हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारी बॉडी में हर लेवल पर, हर सेल में इनकी अपनी एक वैल्यू है। इसीलिए कैल्केरिया फॉस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप कैल्केरिया फॉस किस किस परेशानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, अगर आपके शरीर में प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ रही है, आपके बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, और अगर वज़न बढ़ भी जा रहा है तो उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और हमारी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल जो है वो बहुत कम है, हमारे ग्लैंड्स में जो हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं या दूसरे अलग ग्लैंड्स हैं वहाँ पर बहुत सारी स्वेलिंग हो रही है, या फिर वो जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इन सारी परेशानियों में कैल्केरिया फॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब अगर सवाल आप मुझसे पूछें कि बच्चों में अगर टीथिंग हो रही है तो हमें कैल्केरिया फॉस कब देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, सबसे पहले समझिए, 6 महीने तक के बच्चे को जब आप कोई भी सब्जी नहीं खिलाते हैं, सिर्फ माँ के दूध पर ही रखते हैं और रिकमेंड करते हैं कि हमें बच्चे को माँ के दूध पर रखना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है 6 महीने से पहले कैल्केरिया फॉस अपने बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। आप 6 महीने का बच्चा आपका पूरा हो जाए उसके बाद ही कैल्केरिया फॉस अपने बच्चे को दीजिए। दूसरी बात, किन लक्षणों पे आप कैल्केरिया फॉस देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। कैल्केरिया फॉस तब दें जब आपके बच्चे के जो मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, वहाँ पर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मसूड़े सूजने के बाद दर्द होने के साथ में बच्चे को वॉमिटिंग बहुत जल्दी हो जा रही है, बच्चा भूखा रहता है, हर समय फीड मांगता है, मदर फीड लेने की कोशिश करता है, या फिर हर समय बॉटल के लिए क्लिंग करता है, और जब हम ज़्यादा दूध पिला देते हैं बच्चे को तो बच्चा बहुत जल्दी वॉमिटिंग कर देता है। अगर बच्चा वॉमिटिंग भी करे, साथ में उसे डायरिया या लूज मोशंस भी हों, वो लूज मोशंस बिल्कुल हरे हों, बदबूदार हों, बिल्कुल गैस के साथ में पास हो, बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा पास हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा पुर करके आवाज़ आ रही हो, और उसी गैस के साथ में पेशेंट को जो लूज़ मोशंस हैं वो आ जा रहे हों, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर कैल्केरिया फॉस वास्तव में रिकमेंडेड है। और ये सारी चीज़ें, जो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं, जब ये प्रक्रिया टीदिंग के टाइम पर हो रही हों तो वास्तव में कैल्केरिया फॉस इंडिकेटेड है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी टीदिंग के समय बच्चों को कन्वर्जेंस या फिर एपिलेप्टिक अटैक भी आ जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फौरन कैल्केरिया फॉस बच्चे को दीजिए, उसमें बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब इसके अलावा कहाँ यूज़ करेंगे बच्चों में, अगर आपके बच्चों के बोन्स, आपको लगता है कि बोनी डिफॉर्मिटी है, जैसे कुछ बच्चों के पैर टेढ़े हैं, आप फोटो में देखिए, जैसे रिकेट्स हो जाते हैं, बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट्स में अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, वहाँ पर आप कैल्केरिया फॉस दे सकते हैं। अगर ये जो यहाँ पर हमारे बोन्स होते हैं, स्कल बोन्स, अगर ये बहुत देर में जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, या फिर बच्चे की बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो वहाँ पर आप कैल्केरिया फॉस बच्चे को ज़रूर दीजिए, उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। इसके अलावा अगर
आपके बच्चे को टॉन्सिल्स बार बार हो जा रहे हैं, टॉन्सिलर स्वेलिंग आ जा रही है, या फिर बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं और सडनली पेट उसका बहुत जल्दी फूल जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो बच्चे को क्लेगेरिया फॉस दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, ऐसे कंडीशंस के अंदर क्लेगेरिया फॉस एक बहुत ही रिकमेंडेड मेडिसिन है। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई ऐसी कंडीशंस में क्लेगेरिया फॉस बहुत अच्छे से रिकमेंड की जाती है। डोसेज हमेशा समझिए, हमेशा 6 महीने से बड़े बच्चे को दीजिए और केवल 4 टैबलेट्स या तो सुबह शाम दीजिए, अगर ज़रूरत होती है बच्चे को परेशानी ज़्यादा होती है तो दिन में 3 बार के हिसाब से दीजिए, अदरवाइज़ केवल सुबह शाम 4 टैबलेट दीजिए, मोर देन सफिशेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बड़ों में या फिर एजड में अगर आप क्लेगेरिया फॉस देना चाहते हैं तो कब देंगे। हम सब लोग जानते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी में क्लेगेरिया फॉस जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट है। कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक लिटरेचर भी कहता है। ऐसा क्यों, ये बात को समझिए। क्लेगेरिया फॉस 6x जब या फिर आप क्लेगेरिया फॉस 30 किसी भी पावर में इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी बॉडी में जाके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उन्हें इम्प्रूव करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी डाइट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या फिर आपकी बॉडी से कैल्शियम बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अगर डायग्नोस्टिकली समझें तो जो मरीज़ है उसकी बोन डेंसिटी जो है वो पुअर होगी, साथ में विटामिन डी पेशेंट का बहुत ज़्यादा डाउन होगा, सीरम कैल्शियम ऐसे में मरीज़ के अंदर बढ़ा हुआ कभी कभी मिल भी सकता है और या फिर कम भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अक्सर जो पेशेंट है उसे टेंडेंसी बनी रहती है स्टोन फॉर्मेशन की, यहाँ पर क्लेगेरिया फॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्लेगेरिया फॉस पेशेंट को दीजिए, रेगुलरली दीजिए, उससे पेशेंट की बोन डिफॉर्मिटीज़ भी इंप्रूव होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है इंप्रूव होता है, वाइटामिन डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में, अगर आप क्लेगेरिया फॉस और वाइटामिन डी साथ में कॉम्बिनेशन में पेशेंट को देते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। खासकर जब आपके स्पाइन में दर्द हो रहा हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के सिम्टम्स हो या फिर डिस्क डिजनरेशन हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो, ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लेगेरिया फॉस। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पर लोग कहते हैं हड्डियाँ जोड़ने में क्लेगेरिया फॉस लाजवाब है, ये बात सच है। अगर आपकी बॉडी में जो बोन फॉर्मेशन है वो अच्छा नहीं है, जैसे कैलस फॉर्मेशन, अगर आपको फ्रैक्चर हो गया और हड्डी अच्छे से नहीं जुड़ पा रही है, कैलस फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपके घर में किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर के फौरन बाद जब आप मैनेजमेंट कर लेते हैं पूरा पेशेंट का, हम इमोबिलाइज कर देते हैं प्लास्टर के साथ में हाथ या पैर जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ है, आप फौरन क्लेगेरिया फॉस 6x शुरू करिए पेशेंट की, कैलस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो बोन है वो अच्छे से ज्वाइन हो जाएगी। तो ये बेसिक सिम्टम्स थे, ये बेसिक कंडीशंस थी जहाँ पर आपको पेशेंट को क्लेगेरिया फॉस देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लेगेरिया फॉस लाजवाब मेडिसिन के तौर पर काम आती है, जैसे अनीमिया। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है, खासकर वो बच्चियाँ जिनको अभी प्यूबर्टी के एज में, प्यूबर्टी मतलब मेंसेस अभी शुरू हुए हैं, अगर वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सरदर्द बहुत ज़्यादा होता है या फिर पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि प्यूबर्टी के बाद से परेशानियाँ शुरू हो रही हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है बच्चे की, बच्चा वेट लूज करता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्लेगेरिया फॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेड रेमेडी होती है ऐसे बच्चों के। देखिए जॉइंट्स के कुछ कंडीशंस में क्लेगेरिया फॉस एक लाजवाब दवा है। जॉइंट्स का मतलब स्मॉलर जॉइंट्स भी हो सकते हैं, लार्जर जॉइंट्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर स्मॉलर जॉइंट्स यानी उंगलियों के आसपास अगर आपको गठिया की परेशानी है, वहां पर नोडोसिटीज बन जा रही हैं, क्लेगेरिया फॉस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। पेन में बहुत जल्दी आराम आएगा, नोडोसिटीज भी डिजॉल्व हो सकती हैं धीरे धीरे करके, पर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पाइना बायफिडा की कंडीशन हो, रिकेट्स की कंडीशन हो, ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो, बोनी डिफॉर्मिटीज हो या फिर जो बोन डेंसिटी हो वो बहुत ज्यादा कम हो, तो या आपके जो जॉइंट्स हैं वहां पर लाइटिक चेंजेस आ रहे हैं जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, जहां पर हिप्स हमारे जो है वो स्टिफ होने लग जाते हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही है, ऐसी कंडीशन में क्लेगेरिया फॉस एक लाजवाब दवा है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट तरह से बताया कि आपको क्लेगेरिया फॉस किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोबारा से डोसेज के बारे में। बच्चों को जब आपको क्लेगेरिया फॉस देनी है, हमेशा 6 महीने से बड़े बच्चे में देंगे, 6 महीने से छोटे बच्चे में नहीं देंगे, 4 गोली सुबह शाम के हिसाब से देंगे। अगर आपके बच्चे को कोई भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं,
जो तकलीफ बच्चे को महसूस हो रही है उस कंडीशन में आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से या फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन की डोसेज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोनी डिफॉर्मिटीज़ के लिए कैल्केरिया फॉस यूज़ करना चाहते हैं तो आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ करिए कुछ समय तक, एटलीस्ट 3 महीने तक इस्तेमाल करिए। उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेकर अगर वो कहते हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ बंद कर दीजिए। अगर ग्लैंडुलर स्विलिंग्स आ रही हैं जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो रहा है और भी कहीं पे ग्लैंड्स में स्विलिंग आ रही है तो वहाँ पर भी कैल्केरिया फॉस दिन में 3 बार के हिसाब से रिकमेंड करी जाती है और आप इसे लगातार लगभग 90 डेज तक कंटिन्यू करिए और उसके बाद आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह पर आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर डोसेज है कैल्केरिया फॉस की। जो कुछ पेशेंट्स ये सोचते हैं कि बोनी डिफॉर्मिटीज़ के लिए या जॉइंट्स के लिए हमें कैल्केरिया फॉस यूज़ करनी है, तो देखिए जहाँ ज़रूरत हो आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलरली यूज़ करिए। परेशानी होती है, दर्द ज़्यादा होता है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप दिन में 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं। रही बात पोटेंसी की, 6x हम रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्केरिया फॉस 6x में इस्तेमाल करिए। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि 30 पोटेंसी में लेने से ज़्यादा अच्छा जो है रिजल्ट्स आएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई थी कैल्केरिया फॉस से जुड़ी, ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं इस पर्टिकुलर दवा के बारे में और कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि भ्रांतियां फैलाते हैं जो कि गलत है, ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं, आपको शोभा नहीं देती। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी बात आपको समझ में आई है, मैंने कुछ लॉजिकल बातें अगर आपको बताई हैं तो आप इन बातों को अपने जो चाहने वाले हैं, जो अपने क्लोज हैं, नियर डियर हैं, उनके पास ज़रूर फैलाइए, इसे स्प्रेड कीजिए, मैसेज को स्प्रेड कीजिए। मेरी बात समझ में आई है तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, वीडियो को जनहित में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।